सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, आज क्या क्या खबरें दिन भर जिले में सुर्खियों में बनी रहने वाली है? सिमरन जी, अगर दिन भर दुर्ग में सुर्खियों वाली खबर के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आज सीएम भूपेश बघेल जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को लेकर कुम्हारी क्षेत्र में बड़ी तैयारी है, जिसमें 20,000 से भी ज्यादा की संख्या में लोगों के आने की संभावना है। जिसमें बताया जा रहा है कि जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, हर विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में लोग बसों और अपनी अपनी गाड़ियों के माध्यम से कुम्हारी पहुंचेंगे ताकि वो अपने चहेते सीएम भूपेश बघेल को उनका जन्मदिन उनके साथ मना सके, उन्हें बधाई दे सके। और इसके लिए व्यापक तैयारी की जा चुकी है, पुलिस प्रशासन की भी चाक चौबंद व्यवस्था है। और अगर मौसम के बारे में बात करें तो हालांकि छुटपुट बारिश हुई है लेकिन खेत फिर से लबालब नहीं हुए हैं और यही वजह है कि कुछ जगहों पर यानी कि अगर दुर्ग जिले के पूछ इलाकों पे यानी कि टैलेंट एरिया पे देखें तो वहां के खेत लगभग सूखे पड़ रहे हैं, जमीनें फट रही हैं और फसल लगभग सूख सा गया है। ऐसे में किसानों के पास बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि अगर यही हाल रहा तो अगला फसल लेने के लिए भी उनके पास मिट्टी में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगा और अगला फसल नहीं ले पाएंगे। तीसरी बड़ी बात है, पाटन जो विधानसभा क्षेत्र है, सीएम भूपेश बघेल जी का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर सुबह सुबह एक बड़ी दुर्घटना घट गई। 3 युवक एक मोटरसाइकिल पे बैठ करके जा रहे थे और इस बीच वो एक लोहा गाड़ी जो कि खाली करके आ रही थी उससे टकरा गए और उनमें से एक की मौत हो गई मौके पर और 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें पास के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। इसमें बताया जा रहा है कि एक युवक जो कि सुमित यादव है 17 वर्ष का है, योगेश है वो भी 17 वर्ष का है, चैतन्य बाग 16 वर्ष का है। दुर्ग के पूर्ति खटाराने जाने के दौरान ये बड़ी घटना घटी है। एक बड़ा मामला है कि लगातार पाटन की सड़कों पर दुर्घटनाएं घट रही हैं और लोगों की जाने जा रही है। इसका मतलब साफ है कि वहां पर जो यातायात व्यवस्था है बिल्कुल भी सही नहीं है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को यह देखने की जरूरत है कि वहां पर यातायात व्यवस्था सुचारू रहे और लोगों की जाने हाथों पर ना जाए। सिमरन जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।